नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। निरसा स्थित भाजपा कार्यालय में भाजपा नेता मधुरेंद्र गोस्वामी तथा भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बंपी चक्रवर्ती के नेतृत्व में रविवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से अंकुर बायोकेम फैक्ट्री द्वारा खुदिया नदी को दूषित करने और खुदिया नदी के बीच में खुदाई कर जलापूर्ति करने के कार्य को लेकर काफी निंदा की गई। साथ ही स्पष्ट रूप से कहा गया कि अंकुर बायोकेम फैक्ट्री के द्वारा खुदिया नदी के बीच में जलापूर्ति के लिए अवैध खनन किया जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा लगातार आंदोलन कर रही है। खुदिया नदी से लगभग 25 पंचायतों के लोग जुटे हुए हैं, जिन्हें काफी परेशानी हो रही है। अगर अंकुर बायोकेम फैक्ट्री अविलंब खुदिया नदी में खनन को नहीं रोकती है तो भाजपा द्वारा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसी कड़ी में सोमवार को निरसा सीओ को ज्ञापन देकर अविलंब कार्यों को रुकवाने की बात कही जाएगी, अन्यथा 48 घंटे के बाद भाजपा के कार्यकर्ता अंचल अधिकारी के कार्यालय के समीप अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे। खुदिया नदी में अवैध रूप से उत्खनन किया जा रहा है, खुदिया नदी में अंकुर बायोकेमिकल द्वारा रसायन पदार्थ बहाया जा रहा है एवं धनबाद शहरी जलापूर्ति योजना में अवैध कनेक्शन लिया गया है, जिसके विरोध भारतीय जनता पार्टी कल सीओ साहब को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रही है कि 48 घंटे के अंदर अंकुर बायोकेमिकल प्रबंधन पर आपराधिक मुकदमा अगर दर्ज नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी अनिश्चितकालीन धरना में अंचल अधिकारी के समक्ष बैठने जा रही है। तीन तीन मुद्दे। हमारा मुद्दा है कि अंकुर बायोकेमिकल द्वारा जो खुदिया नदी में अवैध उत्खनन किया जा रहा है उसे तत्काल बंद किया जाए। मोर्चा के द्वारा एक 9 सूत्री मांग अंचल अधिकारी जी के द्वारा, निरसा अंचल अधिकारी महोदय के द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय को दिया गया। उस 9 पॉइंट की कॉपी आप लोगों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। आप लोग देखेंगे उसमें 1 से लेकर 9 पॉइंट दर्शाया गया है। अंचल अधिकारी महोदय को हमारे मंडल अध्यक्ष आदरणीय बृहस्पति पासवान जी ने भी अपने पैड पर लिख कर देने का काम किया। उसके बाद लगातार से कंपनी के द्वारा अंकुर बायोकेमिकल द्वारा ये कहा जा रहा था, प्रेस वार्ता उन्होंने भी अपना रखा था, ये कहा जा रहा था कि उनका सारा परमिशन सही है, उनको अनुमति प्राप्त है, DBRRC के तहत उनको आदेश मिला, DBC डैम डिवीजन तेनुघाट से परमिशन मिला। हमने 20 बार अंचल अधिकारी महोदय को मांगने का काम किया, 20 बार हमने अंचल अधिकारी निरसा से मांगने का प्रयास किया कि वो लेटर जो उन्होंने दिया था वो लेटर को आप सार्वजनिक करें। जो परमिशन लेटर उन्होंने दिया वो परमिशन लेटर को सार्वजनिक करें। आप हमारे खुदिया नदी के साथ छेड़छाड़ करेंगे,